तो ये सनरूफ खोल गई, यहाँ पे चढ़ जाइए, यहाँ पे चढ़ो। और दोस्त अभी चांदनी ऊपर चढ़ गई छत में और देखे देख रहे कैसे सनरूफ में। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजेरिया ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा और आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये देखिए भैया इधर चूल्हा जला रहे हैं। और आज कहीं जाएंगे हम लोग ना भैया? हाँ, कहाँ जाएंगे बता दीजिए, हमको नहीं पता है। भैया बस बोले कि तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, तो ड्रेस पहन लिए। और तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी हम चूल्हा जला रहे थे और दोस्तों लोग सभी को पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गए नहा धोवा करके। हम भी नहा लिए, पूरी तैयार हो गए अच्छी तरह से। यही वाला भैया हमको रक्षाबंधन में गिफ्ट किए थे। हाँ, आप लोग को देखे होंगे रक्षाबंधन में यही वाला ड्रेस गिफ्ट किए थे सुनीता को। आप सभी लोग थोड़ा सा दिखा रहे हैं दोस्तों, जो सुनीता को रक्षाबंधन में गिफ्ट किए थे। और ड्रेस कैसा दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अच्छा रहा सुनीता? हाँ, हमको तो अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और इधर सभी को इधर तैयार हो रहे हैं, देखिए इधर रिया जी और चांदनी इधर तैयार हो रहे हैं। चांदनी तैयार हो गई बेटा? लिपस्टिक लगा रही हो? अपने से लगा रहे दोस्तों लिपस्टिक, ये देखिए। और रिया जी भी इधर तैयार हो रहे हैं। हम भी तैयार हो रहे हैं। और सुनीता तो रेडी हो गई है। हाँ, और अब हम भी रेडी हो गए हैं। हम भी पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। और हम लोग अभी चाय बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी 8 बज रही तो लोग चाय से ही स्टार्ट करें। दोस्तों लोग कहीं आज बाहर जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं दोस्तों आपसे लोग बताना चाहेंगे। हम लोग जाने वाले हैं धनबाद। तो मनोज देव सर है, मनोज देव भैया, हम उनको भैया बोलते हैं। तो वो हमें बुलाए दोस्तों पॉडकास्ट मंच में इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग वही आज जा रहे हैं दोस्तों, सभी को जा रहे हैं हम लोग। और दोस्तों मनोज देव भैया खुद हमारे लिए कार भिजवाए हैं। हाँ, तो अभी कार आएगी दोस्तों और हम लोग कार से जाने वाले हैं। कार मतलब यही की है, तो वो बात हो गई है। तो हमारे लिए वो कार बुक कराए हैं दोस्तों मनोज देव भैया। तो हम लोग आज जाने वाले हैं कार से, है ना? हाँ, और हम लोग का पहला ट्रिप होगा दोस्तों, लॉन्ग ट्रिप, और वो भी कार से, है ना? दोस्तों लोग कार कभी नहीं चढ़े, फर्स्ट बार हम लोग कार चढ़ने वाले पूरी फैमिली। हाँ, सभी लोगों के एक्सपीरियंस बताएंगे दोस्तों की कार में सफर करके कैसे लगेंगे। कार में आज जाने वाले हैं, है ना? कैसा लग रहा है आज? हाँ, क्योंकि मनोज देव भैया खुद हमारे लिए गाड़ी करवाए, तो उसके लिए थैंक यू मनोज देव भैया को कि हमें उस काबिल समझे। तो चले हम लोग चाय बनाते हैं, है ना? रेडी नहीं हुए तब तक चाय। हाँ, इधर हम लोग चाय बनाते हैं सुनीता के साथ मिल करके। चूल्हा बुझ गया सुनीता? जला जला, चूल्हा जला। हाँ, अभी लोग चाय बना लेंगे पहले, क्योंकि काफी दूर है ना। अभी कुछ खाए पिए नहीं, अभी खाना वाना बनाएंगे तो अभी काफी लेट हो जाएंगे, है ना? हाँ। इसलिए खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर काफी दूर भी है तो काफी समय लगेंगे। इसलिए लोग चाय बना लेते हैं और चाय पी करके ही जाएंगे और रास्ते में खा लेंगे, है ना? और दोस्तों सुनीता इधर चूल्हा जला रही है और ड्रेस लाइन काफी प्यारा लग रहा है सुनीता, है ना? काफी प्यारा ड्रेस है। आप तो ले दिए। रक्षाबंधन का ये गिफ्ट था दोस्तों, जो आज सुनीता पहन ली ड्रेस को। हाँ बेटा, और चांदनी भी तैयार हो गई, लिपस्टिक लगा ली, दिखा बेटा। अरे चांदनी लिपस्टिक लगा ली है ना, अभी बाल गिल्ला है चांदनी का, नहा धोवा ली है चांदनी भी। मम्मी तैयार हो गए कि नहीं? भैया जी तैयार आप? अच्छा, कहाँ जा रही हो चांदनी? इधर दिखाओ, इधर मुंह करो। कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही है। और दोस्तों रियाजी भी अच्छी तरह से रेडी हो गए, सुनता गया हेल्प कर रहे हैं चाय बनाने में। और ड्रेस लेकिन इन लोग का सेम सेम है कलर, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, है ना? बस थोड़ा सा अलग, नहीं तो सेम सेम लग रहे हैं दिखने में, ये देखिए। हाँ, और हम लोग तुनू सा डेस्क में लोग चाय बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए। इसी में चाय बनाते हैं। हाँ, पानी चढ़ा दिए, बस चाय पत्ती चीनी डालना है, खोलाना है, बस उतारना है। अब सारे सामान को समेट लीजिए, देख लीजिए, है ना? हम और छाता उतर सब समेट लीजिए। हाँ, अब हम लोग निकलेंगे दोस्तों चाय पी करके। अब चाय हमारे थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे, ठीक है? सब सामान, हाँ, आप सामान को समेटिए ना, आप देखिए सामान को, क्योंकि फिर बाहर में छूट ना जाए, क्योंकि हम लोग का दिन भर का ट्रिप रहेगा, उधर ही हम लोग के दिन भर लग जाएंगे। और दोस्तों हम लोग स्कूटी को यहाँ रख दिए हैं, अब अच्छा हुआ ना जी। हाँ, क्योंकि पहले काफी दिक्कत होते थे मतलब रखने में। हाँ बेटा, हाँ जी, क्योंकि पलंग पहले हम लोग यहाँ लगाते थे ना, तो काफी दिक्कत होती थी, स्पेस नहीं था। अभी खा
हाँ, जो सामान है जो इतने देख रहे हैं दोस्तों, सब सामान हम लोग बॉक्स में डाल देंगे अंदर में। हाँ पूरा खाली हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ भी एगो खटिया लगा देंगे, खाटी बना के। हाँ कोई लोग आएंगे तो बैठेंगे बढ़िया। और आप लोग भी काफी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें अच्छे रहेंगे, कोई गेस्ट आएंगे तो बैठने के लिए है ना। खाली रहेगा तो अच्छा। हाँ दोस्तों हमारी चाय बन गई अच्छी तरह से, सुनीता चाय बनाई है और चांदनी भी आ गई चाय का नाम सुन करके। और सुनीता चाय को उतार रही है दोस्तों, और याजी इधर गिलास लगा लिए है, चार गिलास चार्ज होने का हम लोग का। चांदनी को चाय नहीं मिलेंगे तो अच्छा। अच्छा अभी कैसे कैसे बोले थोड़ा जा, मैं तो सबसे ज्यादा पीती चांदनी। ये तुम्हारा, ये पापा का, ये हाँ। ये लाल वाली चाय है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ दूध नहीं मिलते हैं, गाय नहीं है और जाने पर दुकान काफी दूर जाने पर इसलिए लाल चाय ही पीते हैं, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा सही काम मिजाज सही रहता है, सुबह में अच्छा लगता है। अदरक वाली चाय तो जरूर चाय पी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी खाना का कोई नहीं है, कब खाना खाएंगे भी निकल के। तो सबसे पहले आप लोग हाँ लाल चाय, पूरी परिवार हमारे पूरी परिवार की तरफ से आप लोग चाय पी लीजिए दोस्तों सुबह सुबह। दोस्तों लोग चाय पी लिए सभी कोई, और हम लोग रेडी हो गए अब निकलने के लिए, तैयार है सभी कोई है ना। चलिए अब हम लोग निकलते हैं दोस्तों। हाँ चांदनी चलो बेटा आ जाओ। दोस्तों लोग अच्छी तरह से घर को लगा दिए, और कल हमारी तरफ काफी बारिश हुई थी ना, तो पूरा खिचकिच हो गया आंगन। चले पहले यहाँ तुलसी माता में यहाँ माथा टेक लेते हैं दोस्तों, प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी घर से निकलने से पहले माथा टेक लेना चाहिए। हाँ माथा टेकना चाहिए। चलिए पूरा कादो लेकिन हो गया, मेरा पैर पूरा आदन कादो से कैसा हो गया देखिए। अश्विनता भी माथा टेक रही है, चांदनी भी चली गई, चलो बेटा चांदनी देखिए ऐसे करते हैं चांदनी है ना, हो गया ना। हाँ चलिए दोस्तों हमारी कार आ गई है बाहर में खड़ी है रोड में, क्योंकि यहाँ आने तक का तो रास्ता नहीं ना है, ये जंगल के इधर साइड में है। हाँ तो हमारा कार वहाँ पे खड़ा है दोस्तों रोड में, तो चलिए लोग जाते हैं दोस्तों गाड़ी के पास। और दोस्तों वो देखिए हमारी कार वहाँ खड़ी है, तो ही कार से भी लोग जाने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों ये रही कार जो मनोज भैया हमारे लिए बुक करवाए, तो अभी हम लोग इसी कार पे अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ से उनका घर धनबाद। आ जाइए आइए आइए। हाँ किधरों से, उधर से भी चाहिए इधर से। और चलिए सुनता कार में बैठ रही दोस्तों और चांदनी भी बैठने जा रही है। दोस्तों भी लोग गाड़ी में बैठ गए कार में जो मनोज देव भैया हम लोगों के लिए बुक कराए, और मनोज देव भैया को थैंक यू कहना चाहेंगे कि वो हमें इनवाइट करें और वो खुद गाड़ी भेजें हमारे लिए। और अभी लोग जा रहे हैं दोस्तों धनबाद मनोज देव भैया के पास, क्योंकि इंटरव्यू हमारी आएगी उनके चैनल में, जैसे कि अभी वो न्यू चैनल बनाए तो उनको थैंक यू। और बात रही दोस्तों कि हम लोग जिनको पहले देखा करते थे, क्योंकि मनोज देव भैया भी एक इतिहास जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो खुद गांव से रह करके इस आज मुकाम पे है कि कुछ बोलने की तो बात ही नहीं, क्योंकि कोई वो मतलब पहचानने की मतलब पहचान देने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी सभी लोग जानते ही हैं, जितने भी खास करके यूट्यूबर होंगे, कोई भी अगर सर्च मारेगा यूट्यूब से रिलेटेड तो सबसे फर्स्ट आती है मनोज देव भैया की वीडियो। तो वो हमें आज बुलाए हैं, तो उनको भी थैंक यू। हम लोग अभी वहीं चले दोस्तों, चलिए आप लोग के साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या होती है आज। अभी हम लोग कार में भी जा रहे हैं दोस्तों, काफी मतलब आनंद आ रहा है फर्स्ट बार कार में ट्रेवल करके। सुनता कैसा लग रहा है आपको? वो चांदनी पूरी सो गई है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं धनबाद। तो दोस्तों अभी हम लोग धनबाद अब पहुंचने वाले हैं, ये दामोदर नदी है और कितना बड़ा नदी है दोस्तों देख पा रहे हैं। दोस्तों लोग यहाँ पहुंच गए अभी धनबाद में, और जोरों की भूख लगी है तो चले यहाँ खा लेते हैं। और इधर एक होटल है तो यहाँ लोग जा करके खाते हैं, जैसे कि आप लोग ब्लॉग्स में देखिए हम लोग कुछ खाए नहीं है, बस चाय पी करके आए हुए हैं। चांदनी भूख लगा बेटा? चांदनी को ही भूख लगा सुनता तुमको? चलिए उतरते हैं, चलिए आ जाइए। दोस्तों लोग पहुँच गए अभी धनबाद। दोस्तों मेरे चावल आ गई है, क्या क्या आपसे लोग बता रहे हैं, चोखा है, भुजिया है, दाल है और सब्जी है ना। तो दोस्तों फाइनली लोग यहाँ खाना खा लिए और चलिए चलते हैं अपनी कार में। इससे पहले मिठाई ले लेंगे है ना, क्योंकि दोस्तों कई भी लोग जाते हैं तो मिठाई ले लेते हैं, तो हम लोग भी मीठा पैक करवा लेते हैं।
बगल में एक होटल है। सो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि लोग इस्लामाबाद आए हुए हैं, तो दो भैया मिले हैं यहीं पे जो हमारी वीडियो देखते हैं और डेली देखते हैं भैया इनसे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, यहाँ मिठाई ले लेते हैं क्योंकि मिठाई लेके जाना चाहिए, कई लोग मेहमान जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्या क्या मिठाई, यहाँ लड्डू है, बहुत सारे मिठाई है, तो हम लोग यहाँ पैक करवा लेते हैं। दोस्तों, लोग मिठाई यहाँ से ले लिया, चलिए चलते हैं कार में। देखे हमारा कार वहाँ पे खड़ी है, क्या हो गया चांदनी को ले दिए, चांदनी को खरीद के ठंडा आदमी को तंग कर रही है, चॉकलेट नहीं देंगे सर, खाओ हो गया ना, आधो आधो यही देंगे आप। चांदनी यहाँ रोने लग गई, वो मीठा कह रही थी ना, वो चॉकलेट इसको रखिए, इसको रखिए, चलिए। दोस्तों, फाइनली लोग पहुंच चुके हैं मनोज भैया का फ्लैट में, यही है, चलिए आइए जी। सो दोस्तों, फाइनली लोग पहुंच गए और सिन्नू भैया हमें रिसीव करने के लिए आए। तो फिलहाल अभी भाई आ चुके हैं, ठीक है, अभी इनका पॉडकास्ट शूट होगा कुछ देर में, वही लगभग आधे घंटे में भैया भी आ रहे हैं, मनोज भैया भी। और रिया जी और सुनीता भी साथ में हमारे हैं, क्योंकि आप लोग काफी कमेंट करते हैं, सुनीता को छोड़ के आए थे, इसलिए लेकर के आए ऊपर में। दोस्तों, फाइनल लोग पहुंच गए हैं, यही है वो जगह, आ जाइए। ये दोस्तों फर्स्ट कास्ट की मंच, चलिए आप सभी लोगों को दिखाते हैं अच्छे से। भैया ये मिठाई, थैंक यू। कहाँ गए चांदनी, कहाँ आई हो बता? तो टीवी लगाओ, बड़का सा टीवी लगा हुआ है ना, मछली। कहाँ मछली है? अरे चांदनी मछली दिखा रही है, दिखाओ कहाँ है। अच्छा है ना, यहाँ मछली है ना, हाँ ये देखिए मछली यहाँ तैर रही है। दोस्तों, कितने सारे मछलियाँ, एक दो तीन चार छह सात को मछलियाँ, और कितना छोटा छोटा है ना जी, काफी छोटे छोटे। ये कौन सा मछली है ये, पता नहीं, सिन्नू भैया से पूछ रहे कौन सा मछली है। तो चलिए अब हम लोग भी थोड़ा सा बैठते हैं। दोस्तों, फाइनली आ गए मनोज देव भैया। हाय नमस्ते। तो विजय जी आज हमारे यहाँ पर स्टूडियो पे, ये देखिए मेरा वहाँ पर फोटो वगैरह लगा हुआ है जी, फोटो बहुत खूबसूरत है, वो देखे थे, वो चैनल का लोगो भी वही है मेरा। अच्छा। आपने नोटिस नहीं किया होगा, मनोज देव वाला जो मेरा चैनल है ना, हाँ। यही वाला फोटो लोगो लगा हुआ है। हाँ हाँ यही फोटो है। हाँ, और इधर सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, हाँ गोल्डन प्ले बटन सभी लगी हुई है। काश ये कब आएगी, आप सब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो बना हो करके सुखे में ही करना पड़ेगा, क्योंकि विजय जी का दो लोग बैठेंगे अभी साथ में, रिया जी और विजय जी दोनों, और उसके बाद में, और आज थोड़ा सा सवाल जवाब चलेंगे स्टोरी के बारे में, हम लोग किसी भी वीडियो में शेयर नहीं हुआ होता ना, लोग थोड़ा सा गलत जैसे हिम्मत से देखते हैं ना, कि देखना आके अपना लव स्टोरी शेयर कर रहा है, अपना ही होता है, इसीलिए नहीं के, लेकिन आज खुल करके बात ही होगी है ना। और याजी भी है, सुनीता भी इधर बैठे हुए सोफे में, और इधर लगा हुआ मिठाई, चांदनी खा रही है नाश्ता वास्ता। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं सेटअप में, इधर माइक भी लग गई है, और याजी इधर बैठे हुए हैं और मनोज सर इधर बैठे हुए हैं। तो अभी सारा सेटअप हो गया दोस्तों, अब हम लोग पूरा स्टोरी जानेंगे अभी विजय जी का, और आप लोग को जानना होगा तो मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर जाकर के देखना होगा। और आप लोग भी काफी कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली आज वो बना गई है, आप लोग का भी जानने का बहुत मतलब शौक है ना। हाँ। कि कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब कुछ जानेंगे आज की डेट में। चलिए तैयार है आप? ओके, हॉट सीट पे बैठ चुके हैं। पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, रेडी हो जाइए। सो दोस्तों, फाइनली अभी हमारी इंटरव्यू वीडियो शूट हो गई है मनोज देव सर के साथ, और अभी हम लोग खाना पीना अच्छी तरह से खा पी लिए है, और अभी हम लोग अब घर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से समथिंग 115-20 किलोमीटर दूर है। 120 किलोमीटर, हाँ, तो भी हम 2-3 घंटा जाने में लग जाएगा। हाँ, और मनोज मतलब भैया को भी थैंक यू कहेंगे कि ये हमारे लिए कार बुक करवाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस काबिल समझे आप हमको। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बाकी पॉडकास्ट पे तो सब कुछ डिटेल मिल ही जाएगा सबको। हाँ, एंड अच्छे से जाइएगा। चलिए, तो दोस्तों मनोज भैया की जो कार है हमें मतलब बहुत पसंद आती है, मतलब देखे थे ना ब्लॉग में, तो सोचिए एक बार अपने आंखों से देख ले, और चलिए थोड़ा चढ़ के भी देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
तो बाहर में खड़ी है, तो चलिए चला आप चादर यहाँ सर। दोस्तों भी लोग नीचे उतर रहे हैं मनोज देव भैया के साथ, और मनोज देव भैया आगे आगे उतर रहे हैं। तो चांदनी उतरो। तो खाले नीचे आ गए, और ये रही मनोज भैया की हैरी, हैरी कहते हैं हैरियर से, हैरी कहते हैं प्यार से। तो चलिए अभी लाइट उट जड़ रहे खोल रहे हैं, और कितनी मस्त कार है दोस्तों, कितनी बड़ी कितनी लंबी है, अब सभी लोग दिखा रहे थोड़ा सा, चारों तरफ हैरियर है। खबर जाइए बाहर तक छोड़ देते हैं। हाँ बैठिए हाँ ना। तो दोस्तों चलिए हम भी बैठ रहे हैं, और मनोज भैया हम लोगों का जो कार लेकर के आया वहाँ तक छोड़ देंगे। दोस्तों ये सनरूफ खुल गई, देखिए पूरी तरह से खुली नहीं है, अभी बाहर निकलेगी, निकल जाओ यहाँ पे, चढ़ जाइए आप यहाँ पे, चढ़ो 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 चढ़ा दीजिए। और दोस्तों अभी चांदनी ऊपर चढ़ गई छत में, और देखे देख रही कैसे सनरूफ में, पकड़ कर रखना पकड़ कर रखना है ना, दिख रहा ना। और दोस्तों आज चांदनी आज सनरूफ का आज आनंद ले रही है, देखिए कैसा लग रहा चांदनी। दोस्तों लोग पहुंच गए, जो हम लोग अपनी कार जो पार्किंग जो कर रहे हैं जिस कार से हम लोग आए हैं, तो चलिए अब उतरते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैरी से नीचे आ गए, और जो हम लोग का अपना कार है अभी वहाँ हम लोग चलेंगे। तो काफी अच्छा लगा मनोज देव भैया से मिल करके, फिर मिलते हैं, मिलकर अच्छा लगा, अच्छे से घर जाइएगा, एंड फिर कभी मिलते हैं, जल्द कोई ना कोई प्रोग्राम हो ही जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।